मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में आप सबका स्वागत है। ये वचन प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखे गए हैं। आज का वचन, परमेश्वर में बाट को जोहते रहे। रोमियो 8 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने कहा है कि ये सृष्टि आपके प्रगट होने की बाट जो रही है, यानी एक गरीब व्यक्ति यूसुफ की तरह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होगा, सृष्टि ऐसा होने की बाट जो रही है। आज परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपके आर्थिक स्थिति के ऊपर परमेश्वर का हाथ आए, आपके पास ऐसे दान वरदान हो कि आप चंगाई और छुटकारा करें, आपके पास ऐसा प्रचार करने का वरदान हो कि आपका कोई सामना न करने पाए। यहाँ परमेश्वर दोनों आदमी और औरत की बात कर रहा है कि अगर वह स्त्री सुसमाचार सुनाती है तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को उनके द्वारा प्रकट कर सकता है, और इस योजना को आप तब ही पूरा कर सकते हैं जब आप पवित्रताई में चलते हैं, क्योंकि पाप ही एक ऐसी चीज़ है जो इस योजना को ख़त्म करती है। आप शरीर पर आंखें लगाकर और अपनी इच्छाओं को पूरा करके परमेश्वर के प्रकट होने का अपने जीवन में साबित नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पाप से बच कर रहे, शरीर की इच्छाओं को पूरा ना करें और परमेश्वर में चलते रहें और इंतज़ार में रहें, तो उसने कहा, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बाट जोहने का मतलब है कि परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरे समय का इंतज़ार करे तो मैं तुझे आगे बढ़ाऊँगा। परमेश्वर में कैसे इंतज़ार करें? जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने इंतज़ार किया। प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल के थे तो वह बड़े बड़े शास्त्रियों और विद्वानों के साथ प्रश्न उत्तर करते हुए पाए गए थे, और उनके पास कोई भी प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए उत्तर नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है कि फिर भी यीशु मसीह 12 साल से लेकर 30 साल तक, यानी कि 18 साल तक अपने माता पिता के वश में रहे और लकड़ी का काम करते रहे। मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह इंतज़ार करने की प्रक्रिया के ऊपर भरोसा रखते थे, तो आज एक मसीही ये कैसे सोच सकता है कि वह बिना किसी इंतज़ार के परमेश्वर के काम कर पाएगा? जब आप इंतज़ार करेंगे, आप प्रार्थना, उपवास करेंगे, धीरज रखेंगे, तो आत्मा के फल आप में तब ही पैदा होंगे। जब आप इस प्रक्रिया से निकलेंगे और आप आत्मा के फलों के साथ भरेंगे, तब आप वरदानों और आशीषों को पाएंगे। आज लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को मुझे अभी चंगा करना चाहिए था, अभी वीजा देना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज अगर आप परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह की तरह बाट जोहने की ज़रूरत है। तब परमेश्वर आपको एक जैसा नहीं रहने देगा और आपके सत्र को ऊंचा करेगा। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर इस सामर्थ्य प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता की अधीनगी में रहकर आपके समय की बाट को जोहते रहे, मैं भी जोहता रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन आमीन आमीन।